आपने हिंदी में बात किया स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग में आपने वो मराठी में बात, मराठी में बात किया हाँ। वो स्टार्टिंग में आपने मराठी में बात किया हाँ। हिंदी से बात करो बहुत अच्छा व्यूज आएगा, बहुत नहीं, नहीं। समझ देगा। सही है हाँ। हिंदी में बात करेगा तो इंडिया में, नेपाल में हाँ, लगता है बांग्लादेश में भी हाँ। मेरा वीडियो देखेगा हाँ। पर मेरा जो लैंग्वेज है ना, मदर लैंग्वेज होता है ना मराठी। मैं महाराष्ट्र हूँ, इंडिया में हमारा महाराष्ट्र स्टेट है। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज मालूम रहेंगे हाँ, मैं उन्हीं का धरती का है मैं, तो इसी के लिए मैं मराठी मेरा भाषा नहीं छोड़ता हूँ। अभी आपको मराठी नहीं आता इसके लिए मैं हिंदी में आपसे बात कर रहा हूँ हाँ, तो ये मैं वीडियो बनाता हूँ हमारा मराठी, हमारा जो महाराष्ट्रीय लोग है उन्हीं के लिए। ठीक है, राम राम मंडळी आर आर महादेव, जय शिवराय बाबांनो। सांगायची गरज नाही आहे की व्हिडिओ कुठला आहे, व्हिडिओ दुबईचा आहे। लहान लहान मुलांना माहिती आहे ही बुर्ज खलिफा आहे म्हणून। ही बुर्ज खलिफा दाखवण्यासाठी मी नाही आलो, माझं काम होतं बाजूला, कामानिमित्त आलो, व्हिडिओ बनवत होतो। हा एक मला मुलगा भेटला, तर याच्याशी आपण बोलणार आहोत, काय काम करतो, कसा दुबईला आला, किती पैसे कम। माझं म्हणणं आहे की मराठी माणसानं पण दुबईला यायला पाहिजे। स्टार्टिंगला थोडी कमी पगार असते, नंतर पगार वाढते, नंतर पुढे जायला मिळतं। कमी पगार असेल तर पैसे जमा करून लायसन्स घ्या, लायसन्स घेऊन तुम्हाला पुढे जाता येतं, याला विचारतो आता मी। नमस्कार भाई, आप कहाँ से हैं भाई? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल, आपको कितना टाइम हुआ दुबई आके? मैं आया हुआ एक दो महीना हुआ। एक दो महीना हो गया, कैसा लग रहा है दुबई? एकदम मस्त है, बढ़िया है। अच्छा, एकदम अच्छा लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास। काम में कैसा है इधर? काम में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा काम है। क्या काम करते हो आप इधर? मैं होटल में। अच्छा, होटल में काम करता हूँ। होटल में है तो थोड़ा पास में भी लेना है, अच्छा दिख रहा है ना बोरा। अभी होटल में है तो खाना फ्री रहेगा? फ्री है। कितना सैलरी है? सैलरी 1500 है। 1500 सैलरी मिलता है, खाना फ्री है। खाना फ्री है, बहुत अच्छी बात है। तो ये नेपाल से यहाँ पे आने का तुम मतलब कैसा आया यहाँ पे, वो थोड़ा बताना है हमको। तो ये अभी आप बोला कि 1500 सैलरी है, होटल में काम है, कितना दो महीना आपको यहाँ पे आके हो गया? कोई सैलरी वैलरी उठाया या नहीं उठाया? उठाया, घर भेजा? हर महीना आता है, अच्छा से बढ़िया से। या नेपाल में क्या काम करते थे आप? नेपाल में मैं भी होटल में किया था, उधर भी होटल में। कुछ कोर्स कुछ है इसका? कोर्स होता है? कोर्स वगैरह होता है। अच्छा, इधर ही आके भी सीख सकता है? अच्छा, इधर भी आके सीख सकता है। दुबई आने के टाइम में जैसा तुमको सपने में लगता रहेगा कि मैं दुबई आएगा तो बुर्ज खलीफा देखेगा, सपना है बुर्ज खलीफा का सपना आता रहेगा, मैं बुर्ज खलीफा देखेगा। अभी ये तुम्हारा सामने है, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत खुश है, ऐसा लगता है कि सपना पूरा हो गया, सपना पूरा हो गया। अभी इसका बाद में क्या देखने का बाकी, अभी क्या देखेगा इसका बाद? अभी इसका बाद तो सबसे बड़ा ये इससे बड़ा नहीं देखो क्या है मालूम है, अपन इंडिया से, मैं भी जब आया था ना, मैं एकदम छोटा गांव से, महाराष्ट्र से, मैं छोटा छोटा गांव से यहाँ पे आया। मेरे को भी लगता था मैं बुर्ज खलीफा जब देखेगा इधर घूमेगा। अभी घूमने के बाद में फोकस क्या करना है अपने को? पैसे। यहाँ पे आने के बाद में क्या करना है? खाली पैसा महीना महीना काम करने का, घर में पैसा टाइम पे भेजने का। जो तुम अभी 1500 जो कमा रहे हो यहाँ पे, 200-300 आपका खर्चा जाके घर में पैसा जा रहा है आपका। नेपाल में रहता था तो जाता था ऐसा पैसा महीना महीना? नहीं नहीं, नहीं 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 जाता ना, नहीं जाता, यही बात है। यहाँ पे आएगा तो क्या होता है, सुबह जाओ काम पे, शाम में रूम में आओ, फालतू वाला लफड़ा कुछ नहीं। सही बात, यहाँ पे आगे जाने के लिए भी बहुत मिलता है। जैसा आपका फील्ड में अगर आप मैनेजमेंट में कोई होटल में काम करते हो तो कुक बन सकते हो, शेफ, उसको क्या क्या बोलता है ना, पर आगे जाने के लिए तो मिलता है ना? मिलता है, जैसा आगे जाएगा उतना पगार मिलेगा। मैं यहाँ पे जब आया था तो मैं हेल्पर था, बहुत छोटा काम करता था, छोटा सैलरी में। अभी भी मेरा भगवान की कृपा से सब सही है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और कम भी नहीं है। तो मैं यही बोलता है मेरा वीडियो से, मेरा हमारा जो महाराष्ट्र लोग है ना उनको यही बोलता हूँ कि दुबई में तुम आएगा ना तो आगे जाने के लिए एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, वो कोई काम का नहीं। 1500 में तो 1500 में नहीं रहने का, आगे वो फील्ड में आगे जाने का, फील्ड में आगे जाने। भावनो, माझं म्हणणं ना तुम्हाला कळालंच असेल, मला काय म्हणायचं आहे, दुबईमध्ये आला कुठल्या पण कामात पुढे जायचं बघायचं, पुढे जायला मिळतं। मी सातवी शिकलेलो आहे, मला शिक्षण नाही आहे, परंतु मला जे काम येत होतं, मी प्लंबर होतो, प्लंबर टेक्निशियन मी होतो, ह्या इकडल्या ह्या बिल्डिंगमध्ये मी काम केलेलं आहे, मेंटेनन्समध्ये ह्या इमर कंपनीमध्ये मी काम केलेलं आहे। तर सुरूला थोडी कम पगार असते, नंतर तुमच्याच फील्डमध्ये तुम्हाला पुढे जायला मिळतं आणि पुढे जायलाच पाहिजे। एकाच कामात आलं, एकाच कामात राहिलं, मग तुमचा काही फायदा नाही आहे। परंतु दुबईला एकदा तुम्ही आलंच पाहिजे, येऊन एकदा काम करायलाच पाहिजे। कुठली कंपनी चांगली आहे, दुबईला कसं यायचं, सगळे व्हिडिओ मी बनवलेले आहेत।
जर तुम्हाला माझी ही माहिती मराठीमध्ये जर मी तुम्हाला आवडली असेल माहिती माझी, तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. परत भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र, हर हर महादेव, जय शिवराय, जय शंभूराज. धन्यवाद दाई आपका. अच्छा सा काम करो, बहुत आगे जाओ. ओके ओके, थैंक यू भाई.